स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे कैनन EOS R यानी कि कैनन का मिररलेस के बारे में, जो कि फुल फ्रेम है। तो आइए जानते हैं। तो कैनन मिररलेस पहले से ही बना रहा था, लेकिन पहली बार ये अब फुल फ्रेम बना रहा है, तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और कैनन के फुल फ्रेम मार्केट में उतरने से सबसे पहले उसको मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसके सारे पुराने लेंस, जैसे कोई भी कैनन का फोटोग्राफर है, बहुत आराम से पास उसके पास कई लाख के लेंस हो सकते हैं। कैमरा बॉडी सिर्फ 1-2 लाख का होगा, लेकिन लेंसेस लगाते 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 कई लाख का लेंस का खर्चा हो जाता है। तो कोई उसको बाहर फेंकना नहीं चाहता कि मतलब भाई, इसीलिए वो अगर कोई कैनन खरीद रहा है तो वो कैनन ही खरीद पाएगा आगे, और मान लीजिए नाइकॉन का लेंस खरीद रहा है तो नाइकॉन में ही लटका रह जाएगा। इसलिए कैनन ने इसमें बहुत मेहनत किया है कि पुराने लेंसेस लग सकें। तो ये कैनन का मतलब समझिए, अभी तो इन्होंने सिर्फ 4 ही लेंस उतारे हैं, लेकिन बाकी के पूरे 300 लेंस जो पहले से हैं मार्केट में, वो सब इसके साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन्होंने एक नया माउंट बनाया जो कि मतलब आप साइज़ में देखिए तो ज़्यादा अंतर नहीं है पुराने और नए में, लेकिन काफ़ी इंटरनल इम्प्रूवमेंट किया गया है, खास करके जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा पिन डाले गए हैं ताकि ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सके। और नए लेंसेस में आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा रिंग दिया जा रहा है जो इलेक्ट्रॉनिकली कपल्ड है, जिस पर आप कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं। वो रिंग कुछ करता नहीं है, वो सिर्फ घूमेगा, लेकिन आप उस पर फंक्शन लगा सकते हैं कि मेरे को ISO कंट्रोल करो, मेरे को एपर्चर कंट्रोल करो, मेरे को एक्सपोजर कंट्रोल करो, एक्सपोजर कंपनसेशन। तो आप उसको डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या करेगा। ये काफ़ी नया बात है, और ये सब करने के लिए काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पिन है, मतलब इसके और इसके बीच में पिन का अंतर बहुत ज़्यादा है। और मैं ये जो रिव्यू आपके लिए बना रहा हूँ, इसमें काफ़ी सारे मैंने यूट्यूबर्स के रिव्यूज़ को जोड़ के बनाया है, और मैं इसको 3 भाग में बांट दूंगा, जो है अच्छा, द गुड, द बैड, द वाई। अगर आपको सिर्फ अच्छा ही देखना है तो गुड के बाद आप वीडियो प्लीज़ बंद कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। तो अच्छा बात है कि ये कैनन है, कैनन इतने साल से काम कर रहा है, इतने साल से वो कैमरा बना रहा है कि कैनन के कैमरे इस ऊंचाई पे पहुंच गए कि आप ये नहीं बोलते आप कैनन कैमरा यूज़ करें, आप सीधे बोलते मैं कैनन यूज़ कर रहा हूँ। तो ये नाइकॉन के साथ भी है कि नाइकॉन इतने साल से बना रहा है, तो आप लोग ये नहीं बोलते कि मैं नाइकॉन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, मैं नाइकॉन यूज़ कर रहा हूँ। तो सोनी, पैनासोनिक, ये सब अभी आने में बहुत टाइम है कि उस ऊंचाई पे पहुंचे। 100 साल की कंपनी है, मतलब एक्सपीरियंस्ड है। तो जो भी लोग यूज़ कर रहे हैं सब कह रहे हैं भैया, अगर आप कैनन कैमरा जानते हो, यूज़ करना जानते हो, तो ये कैमरा आपके लिए गॉड सेंट होगा, बहुत अच्छा से अच्छा अर्गोनॉमिक है। दूसरा, आप जो पुराने लेंसेस लगा रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने बहुत स्मार्ट काम किया कि जो भी पुराने लेंसेस है, ऐसा नहीं कि बस आप लगा दो, इसमें पुराने लेंसेस में ये लोग एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर सकते हैं ये 2 अडाप्टर के साथ। ये अडाप्टर जो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक रिंग दिया गया है। मान लीजिए आपको वो रिंग बहुत पसंद आ गया, लेकिन आप बोल रहे हैं मेरा पुराना लेंस में तो है ही नहीं वो सब रिंग, आप ये अडाप्टर खरीद सकते हैं, ये रिंग आपके सारे पुराने लेंसेस में ऐड हो जाएगा। तो ये बहुत स्मार्ट आइडिया है। दूसरा, जैसे कि बहुत वीडियोग्राफर जो कि सीरियसली वीडियो करते हैं, उनके लिए ND फिल्टर गॉडसेंट होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह कि ND फिल्टर एक तो बहुत महंगा आता है अच्छा क्वालिटी का, दूसरा वेरिएबल ND फिल्टर उससे भी महंगा आता है, और उसके बाद आपके जितने लेंसेस हैं सबका आउटर डायमीटर सेम नहीं होता। तो मान लीजिए आपका 55mm का कोई है, कोई 70mm का है, कोई 30mm का है, तो आपको हर लेंस के लिए अलग से ND फिल्टर खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे कैनन आके बोलता है देखो, पुराने लेंस में ज़्यादा दूर तक प्रोजेक्शन था, फ्लैंज डिस्टेंस जिसको कहते हैं, तो वहाँ से यहाँ के बीच में हमको अडाप्टर लगाना है, तो वो खाली जगह में इन्होंने फिल्टर डाल दिया। और इस फिल्टर का फायदा ये कि जितने भी लेंस, 300 लेंस आप लगाएंगे कैनन पे, वो सारे में ये फीचर आ जाएगा। ये बहुत ही बेमिसाल इन्होंने फीचर डाला, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। और इसको आप लगाने के बाद बाहर से ही कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब लेंस पे तो आप देखते होंगे कि बाहर से ऐसे घुमाना पड़ता है फिल्टर को ND को चेंज करने के लिए, इसमें आपको नहीं करना, बाहर एक छोटे सा नॉब है जिसको घुमा घुमा के आप ND बढ़ा और घटा सकते हैं। और इसके साथ ये लोग पोलराइजर भी दे रहे हैं, और दोनों इंटरचेंजेबल है। मान लीजिए आपको गाड़ी की शूटिंग करनी है या पानी वाले जगह में जा रहे हैं, एक्वेरियम में, तो आपको पोलराइजर काफ़ी काम रहेगा, पोलराइजर भी दे देते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब आपके पुराने लेंस ऐसा नहीं है कि आप लगा रहे हो बस किसी तरह लगा रहे हो, आप उसमें साथ ऐड भी कर सकते हो। मतलब आपको, मैं तो इसके पीछे पागल हो गया हूँ, और मान लीजिए आपको ये पसंद आ गया तो ये भी लगा सकते हो। और कैनन का सबसे बड़ा खासियत है उसका डुअल पिक्सल ऑटोफोकस। जैसे मैं अभी कैनन यूज़ कर रहा हूँ, कैनन EOS 800D डुअल पिक्सल ऑटोफोकस है, ये हमेशा मेरे चेहरे पे फोकस रहता है, मुझे सोचना ही नहीं पड़ता। तो इसमें अगर आप कैनन के बारे में जानते हैं तो कैनन डुअल पिक्सल ऑटोफोकस उसका सबसे बड़ा खासियत है, तो ये इसमें दे दिया, तो आपको सोचना ही, फोकस के मामले में ये सोनी को लगभग सोनी से थोड़ा ऊपर चला गया है। सोनी को मतलब कि ये 4-5-3 जनरेशन लग गया ऊपर पहुंचने में, कैनन आया ही उस लेवल पे और उससे ऊपर है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने फ्लिप आउट स्क्रीन दिया, नाइकॉन देख लो, ये भी दे रहे हैं, तुम भी दे दो। फ्लिप आउट स्क्रीन बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं जैसे अभी ये वीडियो बनाता हूँ, ये तो कर ही नहीं पाता अगर फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं रहता, मुझे एक मॉनिटर एक्स्ट्रा लगाना पड़ता काम करने के लिए।
तो फ्लिप आउट स्क्रीन और टच स्क्रीन दोनों दे देना बहुत अच्छी बात है। और इस टाइम इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लिया है अपने कैमरा के साथ कि कैमरा पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है। आपने कई बार सुना होगा इसके पीछे में एक टच बार है, उस पर आप कोई भी सेटिंग लगा सकते हैं। इसमें हर बटन को किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, लेकिन एक एक बटन पर नहीं चेंज दे देंगे। मतलब जैसे ये आपका फोकस बटन है, मतलब शटर रिलीज बटन को नहीं छेड़ने देंगे, मतलब कुछ कुछ बटन को छोड़ के हर एक फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि खास करके ये रिंग है, इस रिंग पे आप एक्सपोजर कॉम्पनसेशन लगा सकते हैं, इस रिंग पे आप एपर्चर लगा सकते हैं, इस रिंग पे आप ISO लगा सकते हैं। तो कैनन पूरा खुला छोड़ दे रहा है कि आप जैसे अपना कैमरा यूज करना चाहते हैं यूज कीजिए, जो सेटिंग जहां डालना है डालिए, ये आपका कैमरा है। तो जिनको कस्टमाइज करने की आदत है कि मान लीजिए मेरे को एक एक बटन में छेड़छाड़ करना है, बहुत खुश रहेंगे इसके साथ। तो यहां पे आप वीडियो छोड़ दीजिए, आपके लिए मैंने अच्छी बात बता दी है। अगर आपको बुरा जानना है तो यहां से देखिए। इन्होंने आईबस नहीं डाला। आईबस का मतलब होता है इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजर, मतलब सेंसर ही आगे पीछे करके, जो कि आजकल मोबाइल में आप सुनते हो ना इमेज स्टेबलाइजेशन सेंसर है, तो वही उसको घुमा फिरा के नहीं कर रहे हैं। तो इसका कीमत ये भरना पड़ता है कि अगर आपके लेंस में और इमेज स्टेबलाइजेशन है तो लेंस सिर्फ दो ही एक्सेस में मूव कर सकता है। आप लेंस घुमा देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आप कोई भी चश्मा, मान लीजिए आपका ऐसे आप एक सीधा पेड़ देख रहे हैं, आप लेंस को घुमा देंगे तो पेड़ तो तभी सीधा रहेगा ना। लेकिन मान लीजिए आप कैमरा से फोटो खींचने वाले, घूम गया सेंसर तो घुमा साथ में, लेकिन सेंसर तो अब उल्टा फोटो खींचेगा। तो इस चक्कर में आईबस इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन जनरली लेंस से बेटर होता है, क्योंकि लेंस तो सिर्फ दो ही एक्सेस संभाल सकता है, ऐसे और ऐसे को संभाल लेगा, बहुत अच्छे से संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा रोल टेढ़ा उड़ा को नहीं संभाल सकता, थोड़ा ऐसे दाएं बाएं हो जाए, मतलब समझिए थोड़ा सा ऐसे आप ट्विस्ट हो गया, नहीं कंट्रोल कर सकता ऐसे आगे पीछे ऊपर झुक के, जो कि होगा इतना भारी भरकम लेंस आप लेकर चल रहे हो थोड़ा सा होगा। तो सेंसर स्टेबलाइजेशन इसलिए काफ़ी बेटर माना जाता, इन्होंने दिया ही नहीं। और इन्होंने कहा कि मेरा इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है जो कि लेंस में, चलो मान भी लेता। अगर ये कैनन के लिए जो नए माउंट है कैनन आर सीरीज जो कह रहे हैं इसको, वो सारे लेंस में तो इमेज स्टेबलाइजेशन है भी नहीं। मतलब अगर ऐसा रहता कि ठीक है आपको इमेज स्टेबलाइजेशन में आपको पूरा भरोसा है तो पूरे सारे लेंस पे तो दे दो, लेंस पे अगर नहीं है तो मतलब आप करोगे क्या, आप लटक जाओगे यहाँ पे। दूसरा, ये डुअल कार्ड स्लॉट नहीं दे रहे, जो कि पैनासोनिक इससे आधा दाम का है कहिए लगभग, वो भी दे दे रहा है, सोनी भी दे दे रहा है फुल फ्रेम में। और इन्होंने बस नहीं, हम नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि अगर ये दे देते तो बहुत लोग इसको वेडिंग में यूज़ करने लग जाते और इनका कैनन 5D का बिक्री कम होने लगता, तो नहीं दिया वैसा। और फिर ये मेरा सही में खून खोला दिया कि इन्होंने USB चार्जिंग को ब्लॉक कर दिया है। नाइकन में तो एटलीस्ट ये है कि आपको नए बैटरी लगाने पड़ेगी, मान लीजिए आप नया खरीद रहे हैं तो आपको सोचना नहीं है, लेकिन इसमें है कि इसका USB-C चार्जिंग तभी चलेगा जब आप इसको इससे कनेक्ट करते हैं। ये कैनन का एक अलग से अडाप्टर है, ये अडाप्टर जब तक आपके पास नहीं है वो USB-C से नहीं करेगा। अब मुझे नहीं पता कि ये फर्मवेयर ब्लॉक है, मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि कल के कोई फर्मवेयर में ये लोग अनलॉक कर दें वो फंक्शन को, लेकिन ये बहुत ही बकवास बात है कि ये लोग USB-C चार्जिंग का सर्किट बना के उसको ब्लॉक कर रहे हैं कि भैया आप नॉर्मल USB से चार्ज नहीं कर सकते। और 4K ये बात पे पूरी दुनिया पगला गई कि 4K ये दे तो रहे हैं लेकिन 4K को क्रॉप कर दे रहा है। और जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा फुल फ्रेम है इमेज, इतना सा आपको बस मिल रहा है क्रॉप करने के बाद, और वो क्रॉप इतना छोटा है कि आप सीधे सीधे पैनासोनिक ले लीजिए, उसका सेंसर में जितना आपको रीड आउट मिल रहा है, जितना डेटा आपको मिल रहा है, उतना ही आपको यहां से मिलेगा। और इसका CPU बहुत कमज़ोर है, बहुत सारे फंक्शंस इसमें नहीं है, जैसे कि फुल HD पे 120 फ्रेम नहीं कर सकता, जो कि एटलीस्ट नाइकॉन कर सकता है, क्रॉप पे कर सकता है लेकिन कर तो सकता है फुल HD पे, ये फुल HD पे भी 120 नहीं कर सकता, 720 पे भी करता है। तो और इसके बर्स्ट मोड, मतलब कितना स्पीड से स्पोर्ट फोटोग्राफी के लिए ज़रूरी होती है, वो भी ये उतना अच्छे से नहीं कर सकता है। तो मतलब CPU भी बड़ा हल्का फुल्का है। और सब लोग ये समझ गए, ये कैमरा जैसे ही मार्केट में आया, कि ये हैंडीकैप्ड है, इसको कैनन जानबूझ के जबरदस्ती का इसको ये कर दे रहे हैं कि मतलब हम इसमें सारे फंक्शंस नहीं देंगे। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसे नाइकॉन 2007-08 के बाद बहुत बुरी तरह से नीचे चलता गया, जैसे आप यहाँ भी मैंने कैनन के स्टॉक दिखाए हैं, 2007 में ये भी ऊपर था और उसके बाद जो घटा दोबारा कभी वो उतना ऊपर नहीं आया। तो इस दरमियान ये हुआ कि कैनन अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को नए दुनिया में ले जाने लगा, मतलब कैनन अब माइक्रोस्कोप बनाने लगा, कैनन अब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी सारे ऑप्टिकल डिवाइसेस बनाने लगे, जो कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, मतलब कि वो एक बेचेंगे एक पे कई लाख के प्रॉफिट होगा, मतलब 1-2 लाख का कैमरा में आपको प्रॉफिट उतना नहीं होगा, बहुत हुआ तो 10,000 या 20,000 का प्रॉफिट होगा कंपनी को, लेकिन वो समय 10-20,000 1-2 लाख का प्रॉफिट कंपनी को होगा क्योंकि हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। तो इसलिए कैनन जो है ये सब में बट गया, अपने प्रिंटर का लाइन को बड़ा करने लगा, अपना माइक्रोस्कोप का लाइन को बड़ा करने लगा, ये सब अब इनको कुछ ही पीस बेचना है और इनका महीने भर का खर्चा निकल आता है।
तो ये समझिए कैनन बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने लगा। अब रहा बात की ठीक है वो सब तो कर रहे हैं, तो कैमरा अपना ऐसा खराब क्यों उतारा? वो इसलिए कि कैनन एक सिनेमा लाइन बनाता है जिसे कैनन सी कहा जाता है। ये सब पिक्चर में तो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए लेकिन डॉक्यूमेंट्री दुनिया में, न्यूज दुनिया में ये सब बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन अगर इस जो फीचर उसमें दिया जा सकता था, मतलब जो उसमें आराम से डाला जा सकता था, वो सब डाल देते लोग इसको नहीं खरीदते। तो क्योंकि आप किसी भी डॉक्यूमेंट्री वाले को बोलिएगा कि क्या आप एक कैमरा लोगे या तीन ठीक ठाक कैमरा लोगे, सब बोलेगा तीन ठीक ठाक कैमरा लें, क्योंकि आप अलग अलग जगह पर रख सकते हो, आप अलग अलग एंगल ले सकते हो। आप मान लीजिए कहीं आप खतरनाक जगह पर जा रहे हैं, यहाँ कहीं ऐसा जगह जाना जहाँ कब बारिश हो जाए, जहाँ पे कब देखे कोई चोरी कर ले रहा है, तो आपके पास तीन कैमरा रहेगा, चांसेस रहेगा ना कि एक तो बचा रहेगा। तो कोई भी ये आप बोलिए एक बहुत बढ़िया कैमरा के जगह पे तीन ठो ठीक ठाक कैमरा ही लेंगे। और मान लीजिए आप इंटरव्यू सेटअप करते तो आप मतलब हर चेहरे के लिए आप एक कैमरा फोकस करके रख सकते हैं और एक पूरा जूम्ड आउट कर रख सकते हैं। तो जानबूझ के इसीलिए कैनन ने कैमरा को ब्लॉक किया। और ये सब सिनेमा कैमरा होने के चलते इन्होंने इस पे ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है। वो टैक्स का बेनिफिट ये होता है कि अब आप 30 मिनट से ऊपर की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर अपना कैनन और नाइकॉन या दो कोई भी सोनी भी, ये तीनों इसीलिए 30 मिनट की रिकॉर्डिंग की लिमिट दिए हुए हैं कि अगर ये 30 मिनट से ऊपर गए तो सीधे यूरोपियन यूनियन आके इनके बोलेगा टैक्स दो कि आपका अब ये वीडियो कैमरा हो गया है, तो अब इनका पूरा टैक्स भरो, मतलब टैक्स बढ़ जाता है। पैनासोनिक सीधे सीधे दे देता है, इसलिए पैनासोनिक के कैमरा में डायरेक्ट वो मतलब आपको अच्छे दाम पे अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग मिलती है, मतलब जब तक प्रोसेसर ओवरहीट नहीं हो जाता या बैटरी ख़त्म नहीं हो जाती या मतलब आपका कार्ड स्पेस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इन्होंने ऐसा पहले भी किया है, मतलब कि कैनन के 5D जिसके पीछे सब पागल हैं, उसमें जब इन्होंने 4K दिया पूरी दुनिया पागल हो गई, लेकिन उसमें भी उन्होंने 4K को क्रॉप कर दिया। बस कर दिया, बताओ करोगे क्या? मतलब बोल रहे ना कैनन और नाइकॉन दोनों ऐसे जगह पे खड़े हैं कि तुम कर क्या लोगे, मतलब कि आपने लाखों करोड़ों का जो तुमने लेंस खरीद कर रखा वो फेंक दोगे? तो मतलब ये उस जगह पे कि लाइक तुम करोगे क्या, व्हाट कैन यू डू? सो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग अपना ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इससे मिलेगा इनका। ये बस मिररलेस इसलिए बना दिया कि ये दोनों सोनी और पैनासोनिक इनका एक्चुअली शेयर लेने लगा, मतलब इनके मार्केट रिपोर्ट में आने लगा कि भाई सोनी खरीदे जा रहा है, मतलब हमारे यूजर स्विच कर रहे हैं। वो स्विच को रोकने के लिए इन्होंने बनाया है कि भाई आए मत, उधर मत जाओ, मतलब अभी भी हम तुमसे थोड़ा पैसा ले सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि भाई पैसा मत दो हमको, मतलब थोड़ा तो दे दो। ये लोग बस इन्होंने दे दिया, ये काफ़ी बिकेगा इसमें कोई डाउट नहीं है, काफ़ी बिकेगा और काफ़ी अच्छा भी कैमरा है, लेकिन जानबूझ के इसको जो क्रिपल किया है इससे काफ़ी लोग परेशान हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कैनन मिररलेस के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। आपको बोलूँगा कि आप कॉमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए अगर आप फ्री हैं। तो आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।